गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस क्लब रूट ऑफ कैबेज। आज का जो टॉपिक है क्लब रूट ऑफ कैबेज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, अधिकतर यह क्लब रूट के नाम से जानी जाती है। अब हम देखते हैं डिस्कवर्ड सबसे पहले किसने खोज किया था, तो एक रशियन साइंटिस्ट थे वर्निन, रशियन साइंटिस्ट माइकेली वर्निन इन 1875 1875 ईस्वी में माइकेली वर्निन साहब ने इस डिजीज को खोज किया था और उन्होंने नाम रखा था प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस की, जो बाद में ये डिजीज कास्ट करता है क्लब रूट ऑफ कैबेज के नाम से। तो किसने खोज किया था, वर्निन साहब ने कब किया था, 1875 में 1875। काजल ऑर्गेनिज्म कौन सा पैथोजन कास्ट करता है, कौन सा फंगस डिजीज को कास्ट करता है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस की, ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस की जो डिजीज को कास्ट करता है, सब डिविजन मिक्सोमाइकोटा का फंगस है, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन में डिविजन मिक्सोमाइकोटा, क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, आर्डर प्लाज्मोडियोफोरेल्स, फैमिली प्लाज्मोडियोफोरेसी, जीनस प्लाज्मोडियोफोरा, स्पीसीज ब्रेस की। जो पैथोजन कास्ट करता है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस की, राइट। नेचर ऑफ डिजीज, डिजीज का नेचर कैसा है, तो स्वाल बार्न पैथोजन है, क्योंकि स्वाल बार्न पैथोजन इसलिए है कि स्पोर आर सर्वाइव ओनली इन सॉयल, जो स्पोर होते हैं वो सॉयल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए आल्सो कॉल्ड स्वाल बार्न पैथोजन, राइट। नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट इंडो पैरासाइट है, जो फंगस का नेचर है वो ऑब्लिगेट इंडो पैरासाइट है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज फैलता कैसे है, तो बाय सॉयल फैलता है, हवा के द्वारा स्पोर उड़ते हैं या फिर सॉयल उड़ता है उसके साथ चले जाते हैं, वाटर के द्वारा सॉयल बहती है उसके द्वारा बह जाते हैं, एंड गार्डन टूल्स एग्रीकल्चर जो औजार आते हैं उसके द्वारा निराई गुड़ाई करने से सॉयल में स्पोर लगे रहते हैं और वन फील्ड से अदर फील्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस तरह स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय सॉयल। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वितरण कहाँ कहाँ यह डिजीज पाया जाता है, तो क्लब रूट ऑफ कैबेज कॉमनली फाउंड इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। जो क्लब रूट ऑफ कैबेज डिजीज है यह सभी देशों में रिपोर्ट किया गया है, लेकिन कुछ पॉपुलरली एपिडेमिक फॉर्म में डी जाए जैसे यूएसए में आया था, कनाडा में आया, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में भी आया था, राइट। क्लब रूट आल्सो नोन एंड फिंगर एंड ट्वाय डिजीज, इसको हम आल्सो फिंगर एंड ट्वाय डिजीज के भी नाम से जानते हैं। ओनली मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेस्की, या अधिकतर क्रूसीफेरी में या ब्रेस्की फैमिली में डिजीज को काज करता है, राइट। यह जो डिजीज काज करेगा दो फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली और ब्रेस्की फैमिली में डिजीज काज करता है। होस्ट प्लांट किसके ऊपर डिजीज आते हैं, तो कैबेज के ऊपर, कैलीफ्लावर, ब्रोकली, टर्निप, रेडिश एंड अदर प्लांट ग्रासेस ऐसे हैं जिसके ऊपर यह फंगस या डिजीज काज करता है। सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स कैसे आप पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो गाल्स टू फार्म ऑन रूट, जो उनकी रूट्स होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, और एंड फार्मेड हाइपरट्राफी एंड हाइपरप्लेसिया, और उसके अंदर हाइपरट्राफी एंड हाइपरप्लेसिया बनते हैं। हाइपरट्राफी मींस इनलार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल ऑफ दी साइज, एक सेल की साइज बढ़ जाए जिसको हाइपरट्राफी कहते हैं, हाइपरप्लेसिया नंबर ऑफ सेल, इनलार्ज नंबर ऑफ सेल, जब नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ जाए तो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। दोनों कंडीशन में स्वेलिंग ही होगी या रूट बढ़ेगा तो उसमें हाइपरट्राफी और हाइपरप्लेसिया लाइक सिम्टम बनते हैं। And symptom are found to be grossly distorted mass of large and small irregular swelling, और उसी की वजह से जो होती है irregular swelling हो जाती है, जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जगह जगह swelling root मोटा हो जाता है, और उस तरह के डिजीज को हम क्लब रूट ऑफ कैबेज कहते हैं। यही इसकी पहचान, आप जहां से उखाड़ेंगे उसके रूट को स्वाल साइज उखड़ जाता है, उसकी रूट ज्यादा मोटी जाती है, प्लांट डेवलप नहीं कर पाता, फ्रूटिंग नहीं हो पाती है और आपकी यील्ड लॉस जाती है। इटियोलॉजी देखिए, इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो अधिकतर रूट से होती है और वो उसके स्पोर्ट्स सॉइल में सर्वाइव करते हैं, तो इटियोलॉजी में प्लाज्मोडियम लाइक फॉर्मेड इन होस्ट सेल, उसमें कोई फंगस नहीं बनता बल्कि क्या बनता है,
प्लाज्मोडियोफोरा में, अरे प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की में प्लाज्मोडियम बनते हैं, कैरोलाइड प्लाज्मोडियम बनते हैं, और उस प्लाज्मोडियम जो बनेगा वो होस्ट सेल के अंदर बनेगा, और मैच्योर प्लाज्मोडियम डिवीजन कंटेन अबाउट 30 डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और प्लाज्मोडियम डिवीजन में 30 तक न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं, एंड रिडक्शन डिवीजन प्लाज्मोडियम इज कन्वर्ट इनटू मास ऑफ राउंड रेस्टिंग स्पोर, और रिडक्शन डिवीजन आफ्टर रिडक्शन डिवीजन के बाद उसके अंदर रेस्टिंग स्पोर बनते हैं, और रेस्टिंग स्पोर सर्वाइव कर जाते हैं, रेस्टिंग स्पोर कैन बी सर्वाइव सवाल इन 7 to 8 ईयर तक, 7 से 8 साल तक सवाल में उसके रेस्टिंग स्पोर पड़े रहते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपके क्रॉप फिर सीजन आता है तो वहीं रेस्टिंग स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें जू स्पोर बनेगा, और जू स्पोर फिर एक नए होस्ट प्लांट पे इन्फेक्शन करेगा, यही इनकी एटियोलॉजी है। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं 45 degrees Fahrenheit to 48 degrees Fahrenheit टेम्परेचर होना चाहिए, एंड पीएच 5 to 7 के आसपास होना चाहिए। टेम्परेचर मैक्सिमम एंड सॉल रिएक्शन प्ले रोल इन डिजीज डेवलपमेंट। टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है तो यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, राइट। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? फील्ड सैनिटेशन करेंगे, मस्ट बी फॉलो फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन, मिक्सचर क्रॉपिंग, रेसिस्टेंट वैरायटी, अवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, बैलेंस फर्टिलाइजर, और सॉइल ट्रीटमेंट मस्ट बी फॉलो लाइक ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, ट्राइकोडर्मा विर्सकी एंड विथ फंगीसाइड्स। ये सब अगर आप विधि अपनाते हैं तो आपकी क्रॉप डैमेज होने से बच जाती है। देखिए लाइफ साइकिल हमने थोड़ा सा ही बनाया है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आपका ये जू स्पोर है, जू स्पोर में बाइफ्लेजलेट होता है, और यही जू स्पोर बाद में पेयर होके फ्यूज करते हैं, बाइफ्लेट हो जाते हैं, और फिर इन्फेक्शन करते हैं कहाँ, रूट में। देखिए जू स्पोर इन्फेक्शन रूट हेयर, फिर उसी रूट हेयर में स्पोर ऑलरेडी सॉइल में पड़े रहते हैं, जो ही आप प्लांट की बुआई करते हैं रूट में इसके स्पोर इन्फेक्शन करना शुरू करते हैं, तो यही है कि जू स्पोर इन्फेक्शन रूट हेयर में इन्फेक्शन करना शुरू करते हैं, और फिर जब वो इन्फेक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम सेल बनाते हैं, उसी रूट के अंदर बहुत रूट उनकी मोटी हो जाती है और उसमें प्लाज्मोडियम सेल बन जाता है, और प्लाज्मोडियम सेल बनेगा तो क्या डिजीज काज करेगा, क्लब रूट इन कैबेज इन इन्फेक्टेड ब्रेस्की, और ब्रेस्की में क्लब रूट जो डिजीज काज करता है, यह क्लब रूट डिसइंटीग्रेशन होता है, फटता है तो क्या बनता है, रूट सेल ब्रेकिंग रिलीजिंग रेस्टिंग स्पोर। अब रूट सेल जब ब्रेक करती है, फटती है, तो उसके अंदर से जू स्पोर बाहर निकलते हैं या रेस्टिंग स्पोर बाहर निकलते हैं, यही रेस्टिंग स्पोर फिर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, रेस्टिंग स्पोर सर्कल होते हैं फिर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके फिर जू स्पोर बनाते हैं, मतलब यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, रूट में, रूट से हेयर में, कभी हेप्लॉयड बनते हैं कभी डिप्लॉयड बनते हैं, और यही कंडीशन कंटिन्यूस चलती रहती है, इसीलिए इसके जो स्पोर होते हैं उस वाल में 7 से 8 साल तक सर्वाइव करते हैं, राइट। तो मस्ट बी फॉलो सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल ट्रीटमेंट, आप सीड ट्रीटमेंट करिए और सॉइल ट्रीटमेंट करिए, तभी आपकी क्रॉप बची रहेगी। इसके अलावा आपको क्रॉप रोटेशन अपनाने हैं, मिक्सचर क्रॉपिंग करनी है, और उसके बाद फिर फील्ड सैनिटेशन करना है, बैलेंस में फर्टिलाइजर देना है, रेसिस्टेंट वैरायटी उगानी है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्रॉप डैमेज होने से बच सकती है, राइट। तो आज का टॉपिक है क्लब रूट ऑफ कैबेज, यह डिजीज काज करता है कैबेज के ऊपर, और सबसे पहले ओर्निन साहब ने 1875 ईस्वी में इस डिजीज को खोज किया था, और जो पैथोजन काज करता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की, ओके, राइट। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू।